फाइनली जो है यार, मैं अभी साइज ऑफिस के बाहर आ गया हूँ यार। मसला बस थोड़ा सा था, वो एक गाड़ी जो थी ना वो हमने सेल करनी थी और वो मेरे नाम पे नहीं थी, गाड़ी यूज मैं कर रहा था, लाइक इस तरह का एक मसला था। अब जिनसे मैंने ली थी उनके साथ तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं था हमारा, तो खैर मैंने फिर जो है ना जी, मैंने 15 करवाई हुई थी। अगर कोई ऐसा इशू होता तो यार वो 15 में उसी टाइम पे आ जाना था। तो खैर मैंने जो है ना, मैंने कहा जी ठीक है, जब से आपने गाड़ी सेल की है ना उसे मैं जो है ना ले लेता हूँ जी जिम्मेदारी। Meet the modest one on a journey to vlog. Hi, this is Sheikh Faisal. Subscribe the channel, be the part of family. Assalamualaikum जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आजकल वो करते हैं जी स्टार्ट, तो यार आज फिर गाड़ी से ही स्टार्ट है, क्योंकि यार आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, 10 बजे हुए हैं अभी। तो आज जो है ना यार, मैं जा रहा हूँ एक साइंस ऑफिस, ठीक है, वहाँ पे एक छोटा सा काम है। क्या काम है यार वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहले जो है ना, मैं मुझे जाना है उधर घर अपने, उधर से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिसीव करके तो फिर हमने जाना है जी साइज ऑफिस। और एक साइज ऑफिस बंदा वेट कर रहा है यार, उसको मैंने कॉल करके बोला था मैं आधे घंटे में आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, तो अभी मैं इधर ही हूँ। खैर अब जल्दी से जो है ना मैं पहुंचता हूँ, ठीक है, उसे मिलते हैं जाके और मिलके जो भी काम शाम है वो करता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि साइज ऑफिस मेरा क्या काम था। 15 minutes later. तो यार घर से फाइल वगैरह जो है मैंने उठा ली है, ठीक है, और अभी जा रहा हूँ जी साइज ऑफिस, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी मैं घर गया हूँ, पहले कॉल करती थी कि यार के ना मुझे बाहर ही जो है ना फाइल वो पकड़ा दी जाए, डॉक्यूमेंट्स का अगर मैं अंदर आऊंगा तो टाइम लग जाएगा, तो इसलिए फिर जो है ना बाहर ही मंगवा ली थी और बाहर ही मैं लेके निकल आया हूँ। फाइनली जो है यार, मैं अभी साइज ऑफिस के बाहर आ गया हूँ यार। मसला बस थोड़ा सा था, वो एक गाड़ी जो थी ना वो हमने सेल करनी थी और वो मेरे नाम पे नहीं थी, गाड़ी यूज मैं कर रहा था, लाइक इस तरह का एक मसला था। तो पहले तो मैंने एक फ्रेंड को भेजा कि यार आप देखो जाके क्या है, तो मैं अगर सॉर्ट आउट होता है तो कर लो, नहीं तो फिर मुझे तो आना ही पड़ेगा। तो खैर उसकी फिर कॉल आई कि भाई आप जो है ना जल्दी से उठो। सुबह उठा मैं और फिर घर गया, फाइल उठाई, ये सारा कुछ। तो खैर अभी फ्री हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारा काम हो गया। और अच्छा ये एक मसला है, ठीक है, जो भी वीडियो देख रहा है अगर उनके पास कोई गाड़ी है और उनके नाम पे नहीं है और उनके यूज में है तो भाई जल्दी से अपने नाम करवा लो, बेहतरी अच्छी है, नहीं तो बहुत जलील होना पड़ता, ठीक है। तो खैर यार अभी मैंने एक और जगह जाना है, ठीक है, डीसी ऑफिस जाना है और छोटा सा एक छोटी सी एक मीटिंग है, तो खैर उधर चलते हैं, तो फिर मैं आपको सारी डिटेल तसल्ली से कहीं बैठ के बताता हूँ। कहना मैं ही हूँ, मेरा ही रोड फुल मॉल झूले लाल। तो यार उधर से आने के बाद ना ये है जी काला टिकिया वाला, ये नाम है भाई काला टिकिया वाला, नाल ग्रेजुएट भी है, ये ग्रेजुएट भी है यार। इसकी जो है ना नान टिकिया बहुत ही फेमस है, तो स्पेशली हम अक्सर खाने आ जाते होते हैं, चाबी कितने रख दी, यहाँ चाबी सामने रखी, तो बहुत ही अच्छी इसकी नान टिकिया होती है भाई। तो एड्रेस जो कहने तो मैं मेंशन कर दूंगा, तुसी भी खा खो ली खो। तो खैर अभी वापिस जा रहा हूँ, मिलता हूँ। नानटिकिया खाने के बाद जो है ना जी मजा तो आ ही गया है, लेकिन अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ जी घर। घर किधर जा रहा हूँ, इधर अपने घर जा रहा हूँ, और उसके बाद जो है जी जाऊंगा फिर वापस उधर भाभी की तरफ। इधर थोड़ा सा एक और काम है मुझे, वो भी कर ले जाते जाते। घर पहुंच के जरा धूप अच्छी निकली हुई है, छत पे जाते हैं, छत पे जाके जो है ना मैं फिर आपको पूरी डिटेल देता हूँ क्या क्या हुआ और क्या क्या करना है अगर आपके साथ ऐसा हो गया, गाड़ी आपके नाम पे ना हो रहा आपके यूज में, तो घर पहुंच के बताता हूँ मैं। 15 minutes later. तो यार हुआ कुछ यूं था कि मैंने ली हुई थी गाड़ी लाडो, जो आप लोग मेरे हर व्लॉग में आपको देखने को मिलती थी, तो वो गाड़ी जब ली थी ना तो यार वो मैंने अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाई थी, मिस्टेक यहाँ पे हो गई, ठीक है, अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाई, और जिनके नाम पे ट्रांसफर, जिनसे मैंने ली थी उनके नाम पे भी ट्रांसफर नहीं थी, फर्स्ट ओनर के नाम पे ही ये गाड़ी शुरू से थी। तो खैर अब मैंने गाड़ी करनी थी जी सेल, और जिसको सेल किया जाहिर बात है भाई उसके ट्रांसफर होगी तो वो गाड़ी लेगा ना, अदरवाइज उसने क्यों लेनी है गाड़ी। तो खैर अब मसला यहाँ पे आ गया कि अब ट्रांसफर कैसे करवाएं। तो जी खैर ऑनर का नंबर ढूंढा, कॉपी के ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, उधर से उनको कॉल की, बहुत अच्छे इंसान है वो, ठीक है, उन्होंने पहली कॉल पे उन्होंने कहा बेटा मैं हाजिर हूँ, जब आप चाहो मैं आपको बायोमेट्रिक दे दूंगा, आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी।
लेकिन इशू ये था, लेकिन उनका उनकी एक शर्त थी कि आप जो है ना मुझे स्टाम्प पे लिख के दे दोगे कि इतने साल ये गाड़ी आपके पास रही है, तो उस दौरान में अगर खुदा न खास्ता कुछ भी इस गाड़ी पे क्राइम वगैरह हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो मैंने कहा जी अब मैंने तो गाड़ी जो है जी इस ईयर में ली थी और जिनसे मैंने ली है उनके नाम पे भी नहीं थी। तो वो कहते जी कि ये तो अब आपने देखना है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करें या उनसे ले लें स्टाम्प वगैरह, तो जितनी देर आपके पास भी है उतनी देर का आप मुझे दे दें स्टाम्प। अब जिनसे मैंने ली थी उनके साथ तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं था हमारा, तो खैर मैंने फिर जो है ना जी मैंने 15 करवाई हुई थी, अगर कोई ऐसा इशू होता तो यार वो 15 में उसी टाइम पे आ जाना था। तो खैर मैंने जो है ना मैंने कहा जी ठीक है जब से आपने गाड़ी सेल की है ना उसे मैं जो है ना ले लेता हूँ जी जिम्मेदारी। तो मैंने स्टाम्प वगैरह लिखवाया, स्टाम्प लिखवा के जो है जी उसको टेस्टेड वगैरह सारा करवा के उनके हैंड ओवर किया और उन्होंने देन जो है जी गाड़ी का चलान निकाला और जिसके अब मैंने जिसके ट्रांसफर करवानी है जिसके नाम पर अब उनके नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है गाड़ी। और अब बस रह गए जी बायोमेट्रिक आज जो है जो न्यू ऑनर है वो आज करवा लेंगे और वो अंकल जो है वो कल करवा लेंगे, क्योंकि वो सिटी के नहीं है, वो उन्होंने समुद्री से आना है और वो कह रहे थे कि बेटा मैं कल आके जो है ना जी आपको बायोमेट्रिक दे दूंगा। ये सारी दास्तान थी आज की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर गाड़ी वगैरह बाय करते हो तो सबसे पहले काम आप ट्रांसफर का ही करोगे, ठीक है, वो जरूरी है, ठीक है। खैर अब जो है जी मेरा ये वाला काम खत्म हो गया, अब मैंने बस उनके बायोमेट्रिक उनसे लेना है और इनका करवाना है, ठीक है। वो ये अभी अपने ऑफिस है तो शाम को ये करवा लेंगे न्यू ऑनर, ठीक है, और वो अंकल जो है पुराने ऑनर वो जो है कल को बायोमेट्रिक हमें दे देंगे। तो जी सारा सिलसिला खत्म, लाडो जा रही है, ठीक है, लाडो जो है जी हमने सेल कर दी फाइनली, तो लाडो की याद बड़ी आएगी, ठीक है, बहुत जगह लाडो ने साथ दिया है, बड़ी दूर दूर तक मेरे साथ गई है लाडो। तो खैर देखते हैं अब आगे न्यू गाड़ी लेंगे इंशाल्लाह ताला और देखते हैं कौन सी लेते हैं। और यार अभी जो है ना मैं छत पे आया हूँ, ठीक है, दो चार हमने वीडियोस बनानी है, टिकटॉक वगैरह बनानी है, रील्स बनानी है, वो बनाते हैं, वो बना के फिर हमने जाने दी वापस हापी की तरफ, ठीक है। और खैर जल्दी से क्योंकि सनलाइट चली जाएगी, नहीं तो जल्दी जल्दी से मैं रील्स वगैरह बना लूँ, टिकटॉक बना लूँ, फिर मिलता हूँ। 2000 years later उधर से हापी के घर आने के बाद जो है ना यार मैं रास्ते में ही था तो जो है ना मैं चला गया शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, एक फ्रेंड की कॉल आ गई थी तो यार ये ड्रेस वगैरह लेके आया हूँ मैं, ट्रैक सूट, ठीक है, तो मैंने सोचा यार पहन के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अभी जो है ना यार मैंने चेंज वगैरह किया है और बाल जो है यार स्प्रे खत्म हो गई है मेरी, तो अभी सोच रहा हूँ जो आगे स्प्रे लेके आता हूँ फिर बाल शाल बनाते हैं अपने। तो ये वाला जो व्लॉग है ना यार ये मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, ठीक है यार, काफी लेंथी हो जाएगा क्योंकि इस व्लॉग में आप लोगों ने देखा यार कि एक इन्फॉर्मेशन जो है साइज से रेलिवेंट मैंने शेयर किया आप लोगों से, ठीक है। तो ये वाला व्लॉग इधर ही एंड कर रहा हूँ, ठीक है, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।